आज की रेसिपी दोस्तों व्रत करने वालों के लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी करारे फ्रेंच फ्राई साबूदाना के। ये घर के बच्चे बड़ों सभी को मनों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसको ट्राई करके आपको बहुत मजा आने वाला है। हमें व्रत में चाय के संग कुछ कुछ खाने का मन करता है तो इसे ट्राई कीजिए। इसको बनाना भी आसान है। आज की जो डिश है वो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने जा रही है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइए। नीचे बेल का निशान रहता है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। सबसे पहले एक कप ले लेंगे साबुदाना, उसको भिगो लेंगे पानी में 2 से 3 घंटे के लिए। ये देखिए, उसके बाद एक दाना ऐसे मैश करके देख लेंगे। 1.5 कप पानी में मैंने भिगोया था। छन्नी में इसको धो लेंगे। पानी निकल जाने के बाद इसको डाल लेंगे प्लेट में। भीगने के बाद ही आराम से मैश हो जाता है, इसको कर लेंगे मैश। तो इसमें डालने के लिए मैंने 3 आलू मीडियम ले लिए हैं, बॉईल करके उसको छील लिया, मैश कर लिया। अब 3 से 4 आलू इसमें डाल सकते हैं। किस स्टेट से वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, जरूर मेंशन कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। तो दोस्तों ये रेसिपी पहले आपने बनाई है ये भी बता सकते हैं आप कमेंट करके। ये मैंने आलू मैश किए हुए इसमें ऐड कर लिए। और इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए दोस्तों, और थोड़ा सा ताकत देने के लिए बॉडी में, व्रत होता था थोड़ा सा कमजोरी सी लगती है ना दोस्तों, 1/2 कप ले लेंगे यहाँ पर मूंगफली, जिसे मैंने तवे पर रोस्ट करके और छिलका हटा के ग्राइंड कर लिया था। ये डाल लिया मैंने दोस्तों आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, और डाल लेंगे फ्रेश काली मिर्च कुटी हुई 1/2 छोटी चम्मच, और डाल लेंगे दोस्तों इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कीजिए, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और हरी मिर्च और अदरक 1 बड़ा चम्मच मैंने हल्का ददरा कूट के ले लिया। अब डाल लेंगे धनिया, धनिया से फ्लेवर काफी अच्छा आ जाता है, और व्रत वाला नमक सेना नमक इसमें डाल लेंगे दोस्तों। तो इसको भिगोने के बाद इसमें टाइम नहीं लगता, फटाफट ये डिश हमारी तैयार हो जाती है। सारी चीजों को कर लेंगे मिक्स 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 दोस्तों। तो साबुदाना के क्रिस्पी करारे हमारे फ्रेंच फ्राई रेडी होने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये मिक्स तैयार कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से इसको मिला लेंगे सब मसालों को, जिससे फ्लेवर सारी चीजों में अच्छे से इनहेंस हो जाए, ऑब्जर्व हो जाए। तो ये हो गया रेडी, ये देखिए। उसके बाद आगे प्रोसेस आगे चलेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली, उसमें डाल लिया ऑयल गर्म होने के लिए। हाथ पे लगा लिया ऑयल मैंने, और लंबा लंबा इसको साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से कीजिए, ना इसको मोटा ना पतला, इस तरह से इसको हम लंबा लंबा करेंगे। ये देखिए फ्रेंच फ्राई आपने देखे हैं ना बाजार के, वैसे ही आप इनको बनाइए। मोटा मत कीजिएगा नहीं तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और बहुत पतला भी नहीं क्योंकि टूटने के चांस रहता है। तो मीडियम इसका साइज बनाइए। मैंने रेडी कर लिए कुछ पीसेस को, और इधर हमारा तेल अच्छे गर्म हो गया था, उसको मैंने आंच को कर लिया लो मीडियम। तो अच्छा गर्म करके गैस हमारी लो मीडियम रहनी चाहिए, उसको इस तरह से उलटते पुलटते तल लेंगे हल्का हल्का, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। हाई पे तलेंगे तो ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो दोस्तों हमने ये ध्यान रखना है। और देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा, आपको कलर देख के समझ में आ जाएगा कि ये फ्राई होने लगे हैं, गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पर चल रहा है। बस रेडी हो गए, निकाल लेंगे एक पेपर नैपकिन पे, जिससे एक्सेस ऑयल हमारे पेपर में आ जाए। और ये हमारे साबुदाना के क्रिस्पी करारे फ्रेंच फ्राई रेडी हैं दोस्तों, चटपटी चटनी के साथ। और आप गर्मा गर्म चाय का प्याला साथ में रख लेंगे तो और मजा आ जाएगा सावन के इस मस्त मौसम में। तो दोस्तों एक तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए एकदम क्रिस्पी झट से टूटा। इसको मैं ट्राई कर रही हूँ चटनी के साथ। कैसी ये वीडियो लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल का निशान रहता है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।